आप जो रहा टीवी 9 हूँ छू हार्दिक मोदी। सांजना 5 वागी रहा है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनशे ते चित्र लगभग स्पष्ट थई गयु छे, कारण के एकनाथ शिंदे आ दावेदारी छोड़ी छे। एटले के देवेंद्र फडणवीस आ जे रेस से तेमा सौथी प्रथम कही शकाय, कारण के देवेंद्र फडणवीस नो मुख्यप्रधान बनवानो रस्तो साफ थई गयो छे। एकनाथ शिंदे सीएम पद माटे छोड़वाना तेणे संकेत आप्या छे। वडाप्रधान मोदी जे निर्णय लेशे ते मने मंजूर छे तेम शिंदे जणाव्यु छे। गई काले मैं वडाप्रधान मोदी साथे वात पण करी हती। मोदी अने शाह जे निर्णय लेशे ते मने स्वीकार छे, तो मने सीएम पदनी लालच नथी तेम पण जणाव्यु छे। भाजपना मुख्यप्रधान पण मने मंजूर छे, हूँ नाराज थनार नहीं, लड़नार व्यक्ति छू। भाजप तरफथी फडणवीस मुख्यप्रधान बने तेवी पूरेपूरी शक्यता छे। महायुति की सरकार स्थापित होगी और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि हम, मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी का तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है, ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है।